हेलो एंड वेलकम टू इजी। तो ये मिठाई बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 1 कप गाढ़ा दही। इसके लिए आप हंकर या फिर ग्रीक योगर्ट यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप कस्टर्ड पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इससे हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब इसमें 1 कप कंडेंस मिल्क ऐड कीजिए। कंडेंस मिल्क आप चाहे तो घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं, रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 1 कप दूध ऐड कर देंगे। तो ये तीनों चीजें हमें बराबर मात्रा में लेनी है, कर्ड, कंडेंस मिल्क और दूध। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फ्लेवर के लिए थोड़ी सी इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए। अब इसे एक थाली या फिर पैन में ट्रांसफर कर लीजिए। ऊपर से मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर और केसर स्प्रिंकल किया है, ये ऑप्शनल है। इससे बहुत ही अच्छा कलर और फ्लेवर आता है। और अब इसे फॉइल से कवर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब हम इसे स्टीम करेंगे तो ढक्कन से पानी हमारी मिठाई में नहीं टपकेगा। अब इसे स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 ग्लास पानी लिया है और ऊपर एक छलनी रखी है। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तब इसमें अपनी थाली को रखेंगे और मीडियम हीट पर 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। तो आपको ये मिठाई बनाने के लिए घंटों तक गैस पर चलाते रहने की ज़रूरत नहीं है। बीच में एक चाकू इंसर्ट करके चेक कर लेंगे, अगर वो क्लीन निकलता है तो हमारी मिठाई अच्छे से पक गई है। और अब इसे निकाल कर ठंडा होने दीजिए और फिर 4-5 घंटे तक फ्रिज में चिल कर लीजिए। फिर आप इसे पीसेज में कट करके सर्व कीजिए। तो ये देखिए किस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो आप भी ये इजी तरीके से मिठाई बनाकर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बताइए कि आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू इजी फॉर मोर इजी रेसिपीज। थैंक यू।